हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते ही हैं, सीजन हो या ना हो, बारिश तो कभी भी हो जाती है, जैसे अभी हो रही है। कभी अचानक से ऐसे ही बिन मौसम बारिश हो जाए और पकोड़े जैसा खाने का कुछ मन करे और घर में सामान भी खत्म हो गया है, तो आप आराम से बैठे बैठे चाय के साथ पकोड़े और बारिश का मजा लीजिए। क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सिर्फ दो ही चीज़ों से इतना टेस्टी और क्विक सा नाश्ता कि बस मज़ा ही आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बॉईल किए हुए आलू और पोहे। मोस्टली आलू तो सबके घर में अवेलेबल होता ही है और पोहे भी होते हैं, बाकी रेगुलर मसाले तो सबके घर में होते ही है। तो आलू को बॉईल करने के बाद हम इसको मैश कर देंगे कांटा चम्मच की मदद से। अब उसके अंदर हम डालेंगे मिर्ची, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स। अब डालेंगे पोहे। पोहे को अच्छे से वॉश करके सारा पानी निकाल दिया है। आलू के हिसाब से पोहे को थोड़ा ज़्यादा लेना है, नहीं तो क्या होगा कि जब भी आप फ्राई करोगे ऑयल में तो सारे बॉल्स अलग अलग हो जाएंगे। अब इसको बराबर से मिक्स करने के बाद हमें इसे गोल गोल बॉल बना लेने हैं। सभी बॉल बनाने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर तेल डालेंगे। अब उसको फ्राई करने रख देंगे। तुरंत ही आपको इसको नहीं हिलाना है, अगर आप हिलाओगे तो फिर सारे बॉल टूट जाएंगे। थोड़ी देर अच्छे से तेल में फ्राई करके आपको इसको घुमाना है। बस 3 से 4 मिनट ही लगेगा इसको फ्राई होने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारे सारे बॉल फ्राई हो चुके हैं, इसको हम डालेंगे एक प्लेट में। अब हम निकालेंगे इसको सर्विंग प्लेट में और साथ में ले लेंगे थोड़ा सा केचप। तो रेडी है हमारा क्विक एंड टेस्टी सा नाश्ता।